नमस्कार, आज मैं ब्रजमोहन सिंह सह आचार्य वनस्पति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स जो ग्रुप है मेनली टेरिडोफाइट्स। तो व्हाट आर टेरिडोफाइट्स, प्लांट्स हैं क्या? तो टेरिडोफाइट्स को अपन डिफाइन करें तो टेरिडोफाइट्स इज ए ग्रुप ऑफ क्रिप्टोगैम्स हैविंग ए वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, या वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, क्योंकि जो ये प्लांट्स हैं इनको इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो हिडन होते हैं। क्रिप्टो मीन्स हिडन, और वैस्कुलर मीन्स इनमें जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, सबसे पहले स्टील्स या जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट इन्हीं प्लांट्स में हुआ। टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, टेरिडो इन दो शब्दों से बना है, टेरा मीन्स फेदर यानी, और फाइटोन मीन्स प्लांट। ऐसे प्लांट्स इनमें जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, वो फेदर लाइक संरचना पाई जाती है। तो इन प्लांट्स की जो संरचना होती है, जो लीव्स होती हैं वो पिन्नेट होती हैं या फेदर लाइक होती हैं, इसलिए इनको टेरिडोफाइट्स में कहते हैं या टेरिडोफाइट्स नाम दिया गया। सबसे पहले टेरिडोफाइट्स जो नाम दिया था वो हीकल ने 1866 में दिया था। हीकल 1866 में इनको टेरिडोफाइट्स नाम से पुकारा। परिहार 1977 में इन्होंने कहा था कि टेरिडोफाइट्स आर दी मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वैस्कुलर प्लांट्स। तो ये सबसे प्रिमिटिव और लिविंग वैस्कुलर प्लांट्स हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 400 लिविंग एंड फॉसिल जेनेरा एंड 1500 स्पीसीज इनकी पाई जाती हैं। मीन्स इनके 400 जेनेरा विश्वव्यापी हैं और उनकी लगभग 10,500 के करीब स्पीसीज सब जगह पर पाई जाती है। अब इनका ओरिजिन देखें तो सबसे पहले जो टेरिडोफाइट्स हुए, ओरिजिनेट हुए वो 400 मिलियन ईयर्स अगो इनका ओरिजिन हुआ था। और ये जो सिल्यूरियन पीरियड है उसका जो पैलियोज़ोइक एरा था उसमें ये डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में पाए जाते थे। मीन्स पृथ्वी की डोमिनेंट वेजिटेशन थी ये सिल्यूरियन, और सिल्यूरियन का जो डेवोनियन काल था या पीरियड था उसमें ये मेन वेजिटेशन आज पर पाई जाती। अब इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इनके जो लक्षण हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो नंबर वन प्लांट्स बॉडी। सबसे पहले प्लांट्स बॉडी, पादप शरीर के बाद अगर अपन बात करें तो मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मुख्य पादप है या पादप शरीर है वो स्पोरोफाइट होता है, जो जड़ तना पत्ती में डिफ्रेंशिएट होता है या विभेदित होता है। मैच्योर स्पोरोफाइट होता है इज न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट टू द गैमेटोफाइट, यानी जो गैमेटोफिटिक पीढ़ी होती है उस पर जो मैच्योर स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है न्यूट्रिशन के लिए। मीन्स दोनों पीढ़ियां स्वतंत्र हो जाती है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट क्योंकि अपन जानते हैं कि जैसे कि जो प्लांट होते हैं या उनकी जो जीवन चक्र होता है उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, एक गैमेटोफिटिक अवस्था दूसरी स्पोरोफिटिक अवस्था। तो यहां पर जो स्पोरोफाइट होता है वो न्यूट्रिशनली गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा ट्रायोफाइट में दोनों पीढ़ियां जो स्पोरोफाइट था वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता। तो ये सब नेक्स्ट। द
दे शो मच वेरिएशन इन देयर फॉर्म्स साइज एंड हैबिटेट। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि उनके टेरोफाइट्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा वेरिएशन उनके शेप साइज और फॉर्म्स में पाया जाता है। बहुत ही छोटे प्लांट से अगर देखें तो एजोला जो वो काफी छोटा प्लांट है, एजोला है, सेल्मिनिया है, और आगे चल करके इसी में बहुत बड़े जो आपके प्लांट्स है एंजियोप्टेरिस, एंजियोप्टेरिस है, ऑस्मंडा, ये काफी बड़े प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी बड़ा साइज में पाए जाते हैं। तो इस यहाँ पर एक बहुत बड़ी वेरिएशन पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, इनकी शेप में, इनके साइज में और इनकी हैबिट में। एजोला सेल्विनिया ये प्लांट्स है, काफी छोटे होते हैं और जनरली एक्वेटिक हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। जलीय पौधे हैं और काफी छोटे हैं, जबकि अगर देखें तो बहुत बड़े। इसी में एंजियोप्टेरिस ऑस्मंडा ये काफी बड़े पादप हैं जो पेरेनियल हैं, वार्षिक हैं, जबकि ये ऑस्मंडा सेल्विनिया ये एनुअल प्लांट्स हैं, एक वर्ष में अपना एक साल में अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर ले। ठीक है, नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मींस जो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं। ग्रोइंग इन मॉस्ट एंड सैडी प्लेसेस, जहाँ पर नमी ज्यादा हो, जहाँ पर छाया अच्छी हो, उन पौधों उस जगह उस स्थान पर ये पौधे पाए जाते। सम मेंबर्स आर एक्वेटिक, इसमें कुछ जो मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट मींस जलीय हैबिटेट में भी पाए जाते हैं, जिसमें एजोला है, आपका सेल्विनिया है, आइसेटिस है, मार्सिलिया, ये सब जो प्लांट्स हैं ये जलीय आवास में पाए जाते हैं। ये फ्यू स्पीसीज, कुछ जातियां ऐसी भी हैं इसमें जो जीरोफिटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं, यानी जीरोफिटिक मरुद्वीपीय जो आवास है उसमें भी पाई जाती हैं, और इसके एग्जाम्पल आपका सिलेजिनेला रूफेस्ट्रिस जीरो फाइव, या जीरोफिटिक हैबिटेट है उसमें आपके सिलेजिनेला रूफेस्ट्रिस इक्विसिटम आर्मेंट्स, ये जो स्पीसीज हैं एग्जाम्पल के लिए जो पौधे हैं इनको अपन जीरोफिटिक हैबिटेट में देख के रूप में कह सकते हैं, या ये जो मरुस्थलीय आवास है उस तरह की हैबिटेट में पाई जाती है। लेकिन अधिकांश जो हैं आपके टेरिडोफाइट्स वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, और जहाँ पर नमी ज्यादा है, जहाँ पर मॉइस्चर अच्छी है, जहाँ पर छाया है, उस तरह के स्थानों पर ये जनरली पाए। अब रूट्स की बात करें तो प्राइमरी जो रूट्स होती है, जो शुरुआत में जो रूट्स होती है वो एफीमरल्स होती है, एलपीजीवी होती है, और उनकी जगह जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो उनका स्थान ले लेती है। तो जनरली जो रूट होती है वो एडवेंटिशियस होती है, और प्रिमिटिव जो रूट होती है, प्राइमरी जो रूट होती है वो जल्दी से नष्ट हो जाती है, और सभी रूट्स के जो अपेक्स होती है उस पर परमानेंट ग्रोइंग अपेक्स पाया जाता है यहाँ पर, यानी कि परमानेंट जो अपेक्स होती है उस पर ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है, और वहां से ग्रोथ होती रहती है प्लांट्स। नेक्स्ट जो अगर है पांचवा लक्षण देखें तो एक्सेप्ट सम गुडी फंड्स, कुछ जो गुडी फंड्स है उनको छोड़ दें, जैसे एजियोपेरिस है, मिरासिया है, तो मोस्ट जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनका जो पादप शरीर होता है वो हर्बेसियस प्रकृति का होता है, मीन्स हर्ब्स टाइप्स होते हैं, हर्ब होते हैं। स्टेम और एल्सो है ये परमानेंट ग्रोइंग पॉइंट, जैसे अपन बात कर रहे थे कि ग्रोइंग पॉइंट इनमें परमानेंट ग्रोइंग पॉइंट होता है जैसे जड़ में, तो स्टेम में भी यहाँ पर परमानेंट ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है। जिस तरह रूट तो है अपन देख सकते हैं कि रूट के ऊपर भी और स्टेम के ऊपर इन दोनों में परमानेंट ग्रोइंग पॉइंट पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है अपना सिक्स करेक्टर अपन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ,
या वनपत्ति देखें यहाँ पर, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ये स्केल्स के रूप में पाई जाती है, बहुत ही छोटी पत्तियां, जैसे आपका पिपीसीटम है वहां पर ये स्केल्स के रूप में बहुत ही, जहाँ पर जॉइंट होती है या नोड होती है वहां पर ये स्केल्स के रूप में पाई जाती है। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में भी जो लीफ होती है वो बहुत ही छोटी होती है, सूच्यकार होती है, ठीक है। कुछ जब यहाँ देखें तो कुछ पौधे जो होते हैं हायर प्लांट्स इसी में जो उच्च कोटि के फल्स वगैरह, उनमें जो लीफ होती है वो बहुत, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इनकी जो शेप है, पत्ती का आकार है, उसके आधार पर इन टेरोफाइट्स को अपन दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। नंबर वन माइक्रोफिलस टेरोफाइट्स, माइक्रोफिलस, माइक्रो मीन्स स्मॉल, फिलस मीन्स लीफ। तो ऐसे पौधे जिनमें जो पत्तियां होती हैं उनका जो साइज होता है वो काफी छोटा होता है, उनको अपन माइक्रोफिलस में रखते हैं, ठीक है। इनमें जो लीफ होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, सिंपल लीफ होती है, हैविंग ए सिंगल वेन, मीन्स एक ही वेन इनमें पाई जाती, ठीक है। और इसके ठीक, और डोंट हैव लीफ गैप इन स्टेम, और इनमें जो जब ये वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सप्लाई होती है तो यहाँ पर ये आपका स्टेम है और यहाँ पर ये वैस्कुलर, ठीक है, जाइलम फ्लोएम। तो यहाँ पर जब ये वैस्कुलर सप्लाई होगी लीफ के लिए, माइक्रोफिल्स के, स्मॉल लीफ के, तो यहाँ पर इसी तरह की स्टील लगेगी, किसी तरह का गैप का निर्माण या लीफ गैप का निर्माण इस तरह से नहीं होता है। ये क्या होता है, ये होती है लीफ गैप, ठीक है। तो जो माइक्रोफिलस है वहां पर लीफ गैप का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है इपिसीटम है, लाइकोपोडियम है, आपके सिलेजिनेला है, इन सभी में जो लीफ होती है स्मॉल टाइप की होती है। सेकंड है अपना मेगाफिलस टेरियोफाइट्स, जिनमें जो लीफ होती है वो काफी बड़ी होती है और उनका आकार बड़ा होता है, उसी के आधार पर इनको मेगाफिलस, मेगा फिल्लस, टेरिडो फाइट्स, मेगा मीन्स बड़ा, बिग, फिल्लस मीन्स पत्ती। तो इनमें जो पत्ती होती है वो लार्ज होती है, लार्ज पिन्नेट, पिन्नेट की फाइट लीफ होती है, पिन्नेट लीफ, कंपाउंड लीफ की तरह हैविंग, और इनमें जो कॉम्प्लेक्स जो सीरीज होती है वेन्स की वो काफी कॉम्प्लेक्स सीरीज पाई जाती है वेन्स, ठीक है। इन बड़ी कौन सी है, मेगाफिलस जो टेरियोफाइट्स, दे फॉर्म प्रोमिनेंट लीफ गैप्स इन द स्टेम स्टील। तो यहाँ पर ये अपन बात कर रहे थे, यहाँ पर ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, यहाँ पर इनमें जाइलम फ्लोएम है, यहाँ पर इनमें लीफ गैप यानी पाया जाता है, यानी का मतलब ये है कि ये जो स्टेम की जो स्टील है उसको यहाँ पर तोड़ देती है या गैप का निर्माण कर दे, ठीक है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो टेरिस हैं, ड्राइव टेरिस, टेरिस एंड ट्रैक टेरिस, जो मेगाफिलस अब क्या है टेरोफाइट्स, उसका एग्जांपल। नंबर नेक्स्ट में अगर इनमें ब्रांचिंग पैटर्न की बात करें तो जो टेरोफाइट्स होते हैं जनरली जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है वो मोनोपोडियल या डाइकोटोमस टाइप का होता है, सिंपोडियल टाइप का जो उच्च पादप होता है उस तरह की यहाँ पर ब्रांचिंग पैटर्न नहीं पाए जाते। ब्रांचेज डोंट अराइज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ लीव्स, मीन्स जैसे अपन हायर प्लांट्स में तो यहाँ ये लीफ है और यहाँ पर इसकी जो एक्सिस है यहीं से इस जगह से ब्रांचिंग निकलती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में ऐसा कोई नहीं पाया जाता, ये कहीं से ब्रांचिंग, मीन्स ब्रांचिंग जो निकलती है वो पत्ती के कक्ष में नहीं होती, मीन्स एक्सिलरी टाइप का यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं पाया जाता जैसा कि उच्च पादपों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीव्स एंड स्टेम पजेस फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स, जो ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, ट्राइकोम्स क्या है, होम लाइक संरचना है, छोटे छोटे हेयर लाइक संरचना जो पाई जाती है लीफ और स्टेम पर, जिनकी जो फिलीफॉर्म्स होती है, स्टोमेटा, स्टोमेटा एरियल पार्ट्स पर पाए जाते हैं
और लीफ और स्टोमेटा दोनों साइड में अपर साइड और वेंट्रल साइड दोनों पर ही पाए जाते हैं, यानी दोनों ही सरफेस पर पाए जाते हैं। रूट्स, नेक्स्ट जो लक्षण है 9 अपन देखें तो रूट एंड स्टेम हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक, तो अपन बात कर रहे थे कि सबसे पहले जो वैस्कुलर सिस्टम का जैसे डेवलपमेंट हुआ था, जाइलम फ्लोएम डेवलप हुआ इन्हीं पौधों में सबसे पहले हुआ था, थैलोफाइट्स में और ट्रायोफाइट्स में वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक, तो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम या वैस्कुलर जो टिश्यू है उन सबसे ज्यादा पहले फॉर्मेशन हुआ था। कैम्बियम जनरली इनमें नहीं पाई जाती, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ पौधे हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है। कुछ लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं जैसे बॉटिचियम है, आइसिटिस है, जिनमें रेगुलर सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है, लेकिन जनरली अधिकांश पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं पाई जाती है और कैम्बियम भी नहीं पाई जाती। स्टील, अगर स्टील देखें तो स्टील के अलग अलग यहाँ पर टाइप्स हैं, जैसे जैसे इनका विकास लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो इनमें अलग अलग तरह के स्टील्स का डेवलपमेंट हो जाता है। सबसे जो प्रीमिटिव या लोअर स्टील होती है वो प्रोटो स्टील कहलाती है, और ये लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला वगैरह इन पौधों में प्रोटो स्टील पाई जाती है। साइफोनो स्टील, आगे इसके साइफोनो स्टील का डेवलपमेंट होता है तो जो इक्विसिटम है, ऑफ्यूबुलेशन है, उनमें साइफोनो स्टील पाई जाती है। डिक्टियो स्टील, स्टील टेरिस वगैरह में, और जो सबसे जो लास्ट में पॉलीसाइक्लिक स्टील पाई जाती है वो एनजीओ टेरिस में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जाइलम की या वैस्कुलर सिस्टम की या फ्लोएम की। जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रेकीज, जाइलम यहाँ पर ट्रेकीज से या बाहरी कामों से बना होता है, एंड द फ्लोएम इज कंपोज ऑफ सीड सेल्स एंड फ्लोएम पेरेंकाइम। ठीक है, तो जाइलम में ट्रेकीड्स बाहरी काएं पाई जाती है, वेसल्स वगैरह यहाँ पर नहीं पाई जाती। फ्लोएम में सीड सेल्स होती हैं और फ्लोएम पेरेंकाइम से ही बना होता है। हाउएवर वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम मेंबर्स, तो कुछ ऐसे ऐसे मेंबर्स भी हैं टेरिडोफाइट्स के जिनमें वेसल्स भी पाई जाती है, जैसे आपका टेरिस पिटाटा, टेरिस पिटाटा, यहां पर इनमें वेसल्स भी पाई जाती है। टेरिडियम एक्विलिनम, ये भी एक पौधा है जिसमें नेफ्रोलेप्सिस, कॉर्डिफोलिया, एक्टिनोप्टिस रेडिएटा, ये कुछ पौधे हैं जहां पर वेसल्स पाई जाती हैं। लेकिन यहां पर एक जो बात ध्यान रखने वाली है, वेसल्स और ट्रेकीड्स का जो डायमीटर होता है उसमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं पाया जाता है, लेकिन इनकी जो डायमीटर होता है ट्रेकीड्स और वेसल का वो सेम होता है। जैसे उच्च पादपों में वेसल्स का डायमीटर बड़ा होता है और ट्रेकीड्स काफी छोटी होती है। प्रेजेंस ऑफ सीड ट्यूब्स है आल्सो बीन रिपोर्टेड इन फ्लोएम ऑफ इक्विसिटम आर्वेंस, तो कुछ ऐसे पादप हैं जहाँ पर सीड ट्यूब्स भी पाई गई है फ्लोएम में, जनरली अपन कह रहे कि नहीं पाई जाती, उसमें इक्विसिटम आर्वेंस है और इक्विसिटम गाइगेंसियम है जिनमें ये आपके सीड ट्यूब्स भी पाई जाती हैं, जनरली उनमें नहीं पाई जाती। फोटोसिंथ, अब आप लीफ की बात होती है तो लीफ में फोटोसिंथेसिस टिश्यू की क्या किस तरह का होता है, तो फोटोसिंथेसिस टिश्यू इज रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू लीव्स, यानी लीव्स में ही फोटोसिंथेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। मेगाफिलस जो लीव्स होती हैं उनमें ये दो भागों में डिवाइड होता है, पेलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू। ठीक है, पेलिसेड टिश्यू में जो लीव्स जो आपकी सेल्स होती हैं इस तरह से जब आप देखते हैं इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है, और स्पॉन्जी पेरेंकाइमा में राउंड राउंड जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो पत्तियां में जो होता है फोटोसिंथेसिस उसमें जो टिश्यू सिस्टम होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, पेलिसेड एंड स्पॉन्ज। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इनमें स्पोर्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स जनरली
प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया यूजली बॉर्न ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की जो निचली सतह है, वेंट्रल साइड है, वहां पर लीफ का, लीफ पर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। कुछ पादप है जहां पर ये इसको कुछ विशेष संरचना में भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे आप ओफियोग्लोसम कहें तो ओफियोग्लोसम में एक स्पाइक निकलती है इस तरह से, यहाँ ये लीफ है और यहाँ पर ये स्पाइक और यहाँ पर ये इस तरह से स्पोरेंजिया बनती है, ओफियोग्लोसम स्पाइक, ये ओफियोग्लोसम। इसी तरह से अपन देखें तो फर्टाइल स्पाइक कहलाती है ओफियोग्लोसम की। इन कुछ पौधे हैं जहाँ पर साइलोटम, साइलोटम है, साइलोटम में ये जो स्पोरेंजिया होती है पूरे ग्रुप में पाई जाती है इसी तरह से ये, और ये स्टेम पर लगी रहती है, यहाँ पर ये सिनेंजियम कहलाती है, सिनेंजियम के रूप में पाई जाती है। इसी तरह से अब जब राइनिया की बात होती है तो वहां पर ये अपेक्स, सबसे जो अपेक्स है राइनिया में पौधा इस तरह से, तो उसके सबसे टॉप वाली सन यहाँ पर ये स्पोरेंजिया पाई जाती है। कुछ एक्वेटिक जो है एक्वेटिक हैबिटेट वाले उनमें ये एक स्पेशल संरचना स्पोरोकार्प, उसमें स्पोरेंजिया पाई जाती है, और जबकि जो उच्च पादप है फंस वगैरह वहां पर ये पत्ती की निचली सतह ग्रुप उसमें पाई जाती है, और इनको सोराई सोराई कहते हैं। तो इस तरह से स्पोरेंजिया भी अलग अलग संरचना में अलग अलग जगह पर पाई जाती है। इस तरह से जो स्पोरेंजिया है उसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थैंक यू, आगे का अपन कल करेंगे।